शबनम गिल, वेयर इज शबनम गिल, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर शबनम गिल, दैट्स ऑल। हाँ तो भाई T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है उस तरह से सारे मुल्क अपनी टीम्स अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड कब, और काफी अलग अलग स्टाइल में कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी 2007 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसके थ्रू अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया कि रिकी पॉन्टिंग बताने के भाई कैप्टन कौन होगा, इसी तरह करते करते उनकी पूरी टीम बता रहे कि अभी हमारा ये स्क्वाड होगा। न्यूजीलैंड ने क्या किया, वो अलग से आ गए। लास्ट टाइम उन्होंने किया था कि जो उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे, जो प्लेयर खेल रहे थे उनकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया कि अभी हमारे जो अब्बा हैं, जो मतलब जो बच्चे थे बता रहे थे हमारे अब्बा जो ना वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने उठा के दो बच्चे बैठा दिए, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बच्चे करेंगे, हमारे वाले नहीं किया फ्री फंड में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराओ, उन्होंने कहा नहीं बच्चे बताएंगे, बच्चों को पता है सब ना वो कर लेंगे। और इंडिया ने जो है मैंने देखी थी कुछ किसी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने पूरा अनाउंसमेंट किया था कि भाई ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम है। काफी फैंस जो है वो खुश हैं कि भाई हमारा फेवरेट प्लेयर खेल रहा है, काफी फैंस जो है वो नाखुश हैं कि यार हमारा प्लेयर नहीं खेल रहा, डिसअपॉइंटेड है कि यार इसको भी होना चाहिए था, रिजर्व में खेल रहा है। उसके साथ साथ इंग्लैंड ने भी कर दिया है, और आई थिंक बांग्लादेश ने कर दिया है, करने वाली वेस्ट इंडीज ने कर दिया है, और टीमें तो चौड़े में आ रही हैं, चौड़े में भाई वो वर्ल्ड कप की किट्स रिवील कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है, न्यूजीलैंड रेट्रो किट पे जा रही है, न्यूजीलैंड ने कहा यानी ओल्ड इज गोल्ड, हम तो पुराने चौड़े कराएंगे। न्यूजीलैंड ने भी रिवील कर दी है। अब लोग मुझसे ये कह रहे थे कि हम भाई आप कब करोगे, मतलब रिव्यू शिव्यू का कोई सीन है, मतलब स्क्वाड आया, मैं वेट कर रहा था कि यानी स्क्वाड आए तो करें ना, मतलब स्क्वाड आए कुछ तो करें, मिला तो कुछ नहीं, उल्टा ठुल्लू मिल गया कि भाई आयरलैंड की सीरीज के अंदर जब वो हसन अली आ रहे हैं, आई मीन हसन अली क्या कर रहे हो, यानी कमबैक ऐसा मारो कि दुनिया की शार्ट हो जाए, मतलब जैसे इंग्लैंड ने किया जोफ्रा आर्चर को लिया, जोफ्रा आर्चर का मुझे लग रहा है इंग्लैंड का उनका भी ठीक है, वो जोफ्रा आर्चर को कहते तू पूरा साल नहीं खेलेगा, दो दो साल तू टीमों से गायब रहेगा ताकि तेरा हाथ कोई ना पड़ पाए, तुझे लोग खेलने के आदि ना हो जाए, तू आएगा वर्ल्ड कप के टाइम, वर्ल्ड कप जीता और चला जा। उन्होंने यही किया, ओडिया वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उन्होंने बहाना लगा दिया कि इसकी कमर उमर गई, इसकी कोनी गई, पहले कमर गई फिर कोनी गई, मतलब पूरा ब्रेक दिलवाया, फिर T20 वर्ल्ड कप उससे नहीं खेला, वो लोग जीत गए, इस बार उतारने का यानी बैक टू बैक जीतेंगे ऐसी की तैसी सबकी। तो जोफ्रा आर्चर का अलग ही चल रहा है, जोफ्रा आर्चर इज लाइक मतलब वो बच्चे होते हैं ना जो पूरा साल स्कूल नहीं आते, वो जो बच्चे होते हैं ना पूरा साल पेपर में फेल होते रहते हैं, फिर आखिर में फाइनल एग्जाम के टाइम टॉप करके निकल जाते हैं, सब कहते हैं भाई इसको तो कुछ आता नहीं तो स्कूल भी नहीं आते पास कैसे कर गया, जोफ्रा आर्चर की मिसाल वैसी है। खैर जोफ्रा आर्चर को तो छोड़ो, एक बड़ी सरप्राइज एंट्री हुई है हसन अली की टीम के अंदर, और वैसे तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज का जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, लेकिन काफी लोगों का अपना दिमाग जो ना उनका फट गया, सर फट गया। वैसे मुझे भी काफी शौक लगा था कि हसन अली कैसे आ गया, मतलब भाई डाउनफॉल जैसा भी हो मुझे कमबैक हसन अली वाला चाहिए, हसन अली मतलब मैं ऐसी किस्मत मेरी हो जाए, मतलब अब लोग बुरा मान जाएंगे हसन अली मेरी किस्मत का लगा हुआ वो एल है जो कभी भी लग जाता है, मतलब होता है ना लोगों की किस्मत में पता नहीं होता एकदम से धप करके लग गया, हसन अली वैसा ही है, और यह लड़की की किस्मत भी है, मतलब किस्मत भी है ऐसे ऐसे खेलते खेलते चल मेरा भाई टीम में तू आयरलैंड खेलेगा और इंग्लैंड भी खेलेगा और यहां परफॉर्मेंस दे देगा तो मैं शर्तियां बता रहा हूँ कि टीम में आ जाएगा। अब काफी लोग जो ना चढ़ गए बाबर आजम के ऊपर, काफी लोग चढ़ गए बाबर आजम के ऊपर कि दोस्ती यार इलेवन, वहीं से जो बॉबी संजय ना वो आ गए कि मालिक बाबर आजम ही तो आमिर और इमाद को लेकर आया था, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। देखो पहली बात तो ये आमिर और इमाद को शाहीन लेकर आया था, क्रेडिट जाना चाहिए शाहीन आफरीदी को, ठीक है ना, वो लेकर आया था बाबर आजम के उसमें नहीं था, लेकिन आमिर और इमाद को ज्यादा बैग मिली हुई है वहां से, जानी वो मोहसिन नकवी साहब से मिली हुई सेटिंग है, तुम समझा करो जरा हैवी सेटिंग है, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेलने उसने, तो अब टेंशन ही है। लोग ये कह रहे हैं कि वेयर इज मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस का है, शैम्पू बच्चा वसीम जूनियर का है, मतलब हसन अली को लेके जा रहे हो, शैम्पू बच्चा वसीम जूनियर का है, मतलब लड़के ये पूछ रहे हैं कि भाई टैलेंट पे टैलेंट था हमारे पास कहां चला गया, ये बार बार हसन अली कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों के, भाई देखो टेंशन नहीं लो, हसन अली इज जस्ट हियर फॉर द सीरीज, और अभी हारिस रऊफ का भी कंफर्म नहीं है कि उनकी जो इंजरी हुई थी पीएसएल में, पता नहीं किसने कहा था कि लाहौर कलंदर के मैच में इतना गंदा जो है ना अपने आपको इतनी डेडिकेशन दिखा दो कि तुम्हारा कंधा ही उतर जाए, और जानी फ्रेंचाइज क्रिकेट थी यार छोड़ देता, आकिब जावेद तेरी टांगे थोड़ी तोड़ देता, पढ़वा दिया ना फिर लगवा देना वर्ल्ड कप फ्री फंड में, देखो बॉलर नहीं मिल रहा, वसीम जूनियर जो उसको वैसे कोई नहीं ले रहा, मोहम्मद हारिस को कोई पूछ नहीं रहा यहाँ पे, और ऊपर से टीम का कॉम्बिनेशन है वो अलग समझ नहीं आ रहा, टीम क्या खेलेगी आप देखो तो, मतलब एज अ पाकिस्तानी फैन दुनिया, अबे यूएसए तक ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया आज यूएसए ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया कि मालिक हमारी भी टीम पैक है, हमारा को समझ ही नहीं आ रहा है, दुनिया जो है बता रही है कि देख जानी ये लड़के भेज रहे हैं जा जो करना है कर ले, हमारे पास अभी तक कॉम्बिनेशन सेट नहीं है कि रिजवान आया ओपन खेलेंगे या वन डाउन खेलेंगे, उस्मान खान की जगह है टीम में कि नहीं, साय मयूब को खिलाने की नहीं खिलाना, चाचा होंगे, इमाद होगा, आमिर होगा, शाहीन होगा, नसीम होगा, हारिस रऊफ का कंधा सही है कि नहीं है, हमारा स्क्वाड, अबे हमारे लड़के पक्के नहीं है अभी तक, मतलब पकड़ पकड़ 11 भी खिलाओ तो हमारे पास तो लड़के पूरी नहीं, दुनिया स्क्वाड पे स्क्वाड फेंक रही है। अबे मुझे ताज्जुब हुआ है कि यूएसए ने कैसे कर दिया अनाउंस,
यूएसए ने भी आगे जानी, हम भी आ रहे हैं, जो करना है कर लो, हमारे पास हमारे हमारा स्क्वाड अभी तक फाइनल नहीं है मालिक, अब देखो तो टेंशन कैसी हुई है यहाँ पे। खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबर आजम, मोहसिन नकवी और वहाब रियाज की सोची समझी साजिश है और इसमें मैनेजमेंट मिली हुई है। साजिश ऐसा कह सकते हो कि हम लोग जो है ना बिल्कुल एकदम सरप्राइज एलिमेंट होते ना, सरप्राइज वाइल्ड कार्ड एंट्री हम लोग बिलीव रखते हैं। क्योंकि देखो हुआ क्या था, एक दफा हमने चौड़े में आके स्क्वाड अनाउंस किया था, पहले याद होगा आएगा पिछला एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, हमने अनाउंस किया था, फिर हमारी क्या हालत हुई थी सबको पता है, सबको पता है ना, दुनिया को चौड़े कर रहे थे बेटा ये भेज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार हमने चौड़े कराने की, न्यूजीलैंड की सीरीज भी 2-2 से हमने इसीलिए बराबर की, कुछ भरोसे नहीं आयरलैंड से भी हम हार जाएं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी तैयारी नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं आता, फिर एकदम से वर्ल्ड कप में आ जाए, यानी ये है हमारे लड़के, कुछ नहीं पता, यानी दुनिया को शॉक देने के लिए हम लोग हसन अली को भेज दें, कुछ नहीं पता भाई तो हम लोग अहमद शहजाद का यहाँ पे हम लोग कम बैक करा दें, कुछ नहीं पता उमर अकमल टीम में आ जाएगा, यानी आ गया मैं भी आ गया, कुछ नहीं पता यासिर शाह को एज अ लेग ही भेज दें, ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते आप, शादाब को कटा के यासिर शाह भेज दिया के मालिक ये लो। मुझे लग रहा है ये प्लानिंग हो रही है, ये सोची समझी साजिश है, मुझे पता है वैसे प्रोबेबल 11 तो इनके मुझे पता है ये क्या होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे लग रहा है ये माइंड गेम्स खेलने लो, माइंड गेम्स खेलने कि अभी दुनिया को जो ना लगे रहने तो इसी कश्मकश में, इसीलिए ये किट भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। अबे किट तो अनाउंस कर दो जानी, शर्ट खरीदनी है, किट वेट थोड़ी जानी थोड़ी, मोहसिन नकवी साहब थोड़ा किट का आप लोग जो ना थोड़ा रिवील शिवील कर दें, आपको पता है ना फिर मार्केट में आने में कितना टाइम लगता है, फिर वो सियालकोट में छपेगी, फिर कराची आएगी, तो फिर हम खरीदेंगे कैसे, आप किट वेट रिवील करो ताकि शर्ट तो खरीद के बैठे, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पहन के बैठेंगे, जीत गए तो उतार के उड़ा देंगे, हार गए तो फाड़ के फेंक देंगे, यही हो सकता है, भेजो तो सही, थोड़ा पता तो चले कैसी किट है, फिर बाद में गालियां भी तो देनी है किट को कि कितनी गंदी किट बनाई है, जैसी आखिर दफा तरबूज बना दिया था। एनीवेज अपना तो जानी बिल्कुल अजीब कश्मकश में फंसे हुए, लेकिन पड़ोस में अगर आप देखो इंडिया की तरफ देखो तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को, और ये कौन था कह रहा था विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, पहले मुझे ये बताओ ये था कौन ढकना, मैंने काफी खबरें सुनी थी इंडिया में, काफी खबरें उड़ी थी कि विराट कोहली वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, अबे विराट कोहली है वो, क्या कर रहे हो तुम, विराट कोहली है वो, हम ही धोता पकड़ के, लेकिन इस बार हम भेज रहे हैं, इस बार हम आमिर लेकर आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली शायद आमिर को इस बार ठोक दे, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है विराट कोहली आमिर को बहुत मारेगा, एनीवेज लेकिन हम आमिर भेज रहे हैं, ठीक है ना, आमिर शाहीन नसीम हम तीनों भेज रहे हैं, हो सकता है हारिस टेपिया भी रेडी हो जाए तब तक, तो खैर विराट कोहली स्क्वाड में है, रोहित शर्मा स्क्वाड में है, और बुमराह भी होंगे उसके साथ, उन्होंने सिराज भी उतार दिया है, सिराज के साथ जडेजा भी खेलेंगे, मतलब पूरी पैक साइड उतारी है, बस एक लड़का है जिसका मुझे दुख है कि वो टीम में नहीं है, आप सोच रहे होंगे रिंकू सिंह, नहीं, शबनम गिल, वेयर इज शबनम गिल, मतलब ये आप क्या कर रहे हो, जायसवाल को सेलेक्ट कर लिया आपने शबनम गिल के साथ, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर शबनम गिल, दैट्स ऑल, मुझे शबनम गिल के लिए जस्टिस चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगा, शबनम गिल टीम से ड्रॉप हो गया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन यार देख इसमें भी तेरी गलती है शबनम जानी, तूने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, मैं वॉर्न करता था कर ले, नहीं तो कोई और लड़का तुझे प्रिंस की गद्दी से उतार के बैठेगा, देख जायसवाल आ गया ना, जायसवाल वर्ल्ड कप खेलो, तुम रिजर्व जा रहे हो, उसी के साथ में थोड़ा सा दुख उसका भी है रिंकू सिंह का, यार देखो रिंकू सिंह यानी ये है, अब रोहित शर्मा कह रहे थे, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा दोनों कह रहे थे कि हमारे लिए काफी टफ डिसीजन था, सबसे टफेस्ट डिसीजन था कि हमने रिंकू सिंह को रखना है कि नहीं रखना, यार मेरे ख्याल से रखना चाहिए था क्योंकि यार रिंकू सिंह मुझे भी बड़ा पसंद, यार देखो उसकी बात ही अलग है, एक होता ना बंदे की थोड़ी क्लास अलग से निकलती है, तो रिंकू सिंह की क्लास अलग से निकलती है, मतलब उसका ये है कि 9 बॉले खेलेगा तो 3 तो छक्के मारने, उसने 10 बॉले खेलेगा 3 छक्के मारने, मतलब उसका 200 का स्ट्राइक रेट तो इज लाइक एवरी अदर डे इन दी ऑफिस, 200-250 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल था, तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह क्या 4 मैच फेल हो जाता वर्ल्ड कप के, 3 मैच फेल हो जाता, किसी एक आधे में रिंकू सिंह ऐसा मारता कि दुनिया आगे पीछे करता है सबकी, खैर एनीवेज रिंकू सिंह नहीं है उसके बेचारे के साथ, कोई नहीं अगली बार खेल लेगा, उसी तरह हमारे साथ यहाँ भी वो लोग कह रहे हैं मोहम्मद हारिस को खिलाओ और वसीम जूनियर को खिलाओ, कुछ नहीं पता भाई, वर्ल्ड कप से पहले ये लोग स्क्वाड में अनाउंस करते हैं बस, बाकी टीम में तो शुगर मिल लगा हुआ, मतलब जोफर आर्चर रेडी हुआ है वहां से, मिचेल मार्च वो अलग रेडी हुआ है कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, पैट कमिंस कैप्टनसी नहीं कर रहा, मिचेल मार्च आ गया क्या जाना, मैं तो वर्ल्ड कप लेके जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती इस बार, मुझे अब लग गया इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी, तो खैर ऑस्ट्रेलिया अलग रेडी बैठी हुई, इंग्लैंड अलग हुई, यूएसए तक ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, अभी हम सरप्राइज के मूड में, अभी हमें कुछ नहीं पता आयरलैंड की सीरीज हार जाए, तो बस जब होगा तब की तब देखी जाएगी, हम बस हमें क्या जानी, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो शुगर मेला लगा के रखेंगे, मौज मस्ती चलती रहेगी मौत के खेल में, बस अब हमारा स्क्वाड अनाउंस हो तो हम ऑफिशियली मौत के खेल में एंटर हो जाएंगे, हाँ भाई जानी मौत का खेल शुरू हो चुका, कुछ नहीं भरोसा, ये आखिर में ओसामा मीर को सेलेक्ट कर लें कि ओसामा तू जाएगा यूएस और सबकी फाड़ देगा,